होलकर स्टेडियम में तैयार हो रहा वनडे मैच का मैदान। होलकर ग्राउंड पर बन चुका है वनडे क्रिकेट का दूसरा दोहरा शतक। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वीरेंद्र सहवाग ने लगाई थी डबल सेंचुरी। इंदौर के मैदान में फिर होगी रनों की बारिश। दर्शकों को फिर देखने को मिलेगी चौको छक्कों की बरसात। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले जाने वाले वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के लिए ग्राउंड को भी इंटरनेशनल मुकाबले के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अनुभवी पिच क्यूरेटर समंदर सिंह चौहान की निगरानी में तैयार हो रहे इस पूरे मैदान को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की गाइडलाइन के हिसाब से ही तैयार किया जा रहा है। इसी मैदान पर साल 2011 में आखिरी बार खेले गए इंटरनेशनल मैच में भारत के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने इतिहास रचते हुए दोहरा शतक जड़ा था। ऐसे में इस बार MPCA की कोशिशें बैटिंग पिच तैयार करने की ही है। अक्टूबर नवंबर में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले इस मुकाबले के लिए पिच क्यूरेटर आइडल पिच बनाने में जुटे हुए हैं। साथ ही कोशिश भी यही की जा रही है कि इस मैच में रनों की बरसात भी हो, जिससे दर्शक भी मैच का पूरा मजा ले सकें। गेम की फॉर्मेट T20 है, वनडे है या मल्टी डेज गेम है, हम लोग उस हिसाब से पिच को तैयार करते हैं। आज अगर वनडे क्रिकेट में कोई टीम 150 या 200 के आसपास जाके आउट हो जाती है और कोई बॉलर 5-6 विकेट ले लेगा तो ना तो पब्लिक को मज़ा आएगा ना स्पॉन्सर को मज़ा आएगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा बैटिंग साइड ही हो तो ज़्यादा अच्छा, बॉलर के लिए भी होता है पर इतना ज़्यादा बॉलर के लिए कर दिया तो पब्लिक को जो दर्शक आएंगे उनको मज़ा नहीं आएगा। वैसे जहाँ तक आप कह रहे हैं कि सिर्फ बैटिंग साइड होती विकेट, ये सब ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ रणजी ट्रॉफी में जितने भी होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैचों में अगर उसका परसेंटेज देखा जाए तो 80% मैचों में रिजल्ट ओरिएंटेड विकेट होते हैं और रिजल्ट्स आते हैं। और उसके लिए BCCI ने 2013 में हमको 10 लाख का अवार्ड भी दिया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैटिंग साइड ही बनाते हैं हम, पर चूंकि गेम की फॉर्मेट क्या है उस हिसाब से हमको वो देखना पड़ता है। खासकर होलकर स्टेडियम के ग्राउंड में नया ड्रेन सिस्टम भी लगाया जा रहा है, जिससे ग्राउंड ज्यादा समय तक गीला ना रहे और खिलाड़ियों को मैच के दौरान किसी परेशानी का सामना भी ना करना पड़े। हाँ, मौसम को देख के अभी ये मैच तो खैर अक्टूबर में है, उस टाइम तो इतनी ज्यादा ठंड नहीं होती, पर फ्यूचर के लिए हम लोगों को विंटर में जो मैच होते हैं तो थोड़ा पिच हमारा जो है जल्दी ड्राई हो जाए और जो अतिरिक्त पानी जो हम ऊपर से देते हैं वो नीचे सॉइल की जो प्रोफाइल है उसमें जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, सॉल्ट जमा होता है, तो वो सॉल्ट और वो जो जमा हुआ पानी है जो सॉइल प्रोफाइल में एक्यूमुलेट हो जाता है उसको ड्रेन आउट करने के लिए हम लोग इसमें ड्रेन डाल रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम डाल रहे हैं जो अभी नया कंसेप्ट आया हुआ है, पिछले 2-3 साल से चल रहा है ये 3 लेयर विकेट में। तो हम भी क्योंकि अपने आपको अपडेट करते रहते हैं तो हमने भी ये डाल रहे हैं हम लोग अभी इसमें, तो इसके रिजल्ट और बेटर आएंगे। और ख़ासकर से जो मल्टी डेज गेम होंगे 4-5 दिन के, उन मैचों में जाके लास्ट 2 डेज या 4 डे जाके स्पिनर्स को भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जब ड्रेनेज डल जाएगी और बेस में से जब पानी निकल जाएगा सॉइल प्रोफाइल में से तो नेचुरली थोड़ा पिच जल्दी ड्राई होगा, वियर एंड टियर होगा और स्पिनर्स को भी हेल्प मिलेगी। इंदौर के होलकर स्टेडियम में पिछले मैच में भी रनों की जोरदार बारिश देखने को मिली थी। ऐसे में इस बार फिर से क्रिकेट प्रेमी रोमांचक मुकाबले का लुत्फ उठा सके, लिहाजा MPCA की टीम भी मैदानी तैयारियों को पुख्ता करने पर ज्यादा जोर लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, D Live News, इंदौर।